ओवरऑल उसकी लिमिट क्या होती है। देखो भाई, एक इंसान अनलिमिटेड कमा सकता है अगर उसके पास नॉलेज है। तो आज मैंने कितना कमाया पर्सनली मैं आपको ये भी बताऊंगा, एंड मैं विड्रॉल लगा के भी दिखाऊंगा, और मैंने कैसे रिस्क रिवार्ड रेशियो वगैरह फिट करके मनी मैनेजमेंट के थ्रू जिससे पेशेंस करके जिस तरीके से मैंने कमाया है आज, जो भी मैं आपको भी दिखा दूंगा। आप देखना वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर आपको भी ऐसे ही पैसे कमाने हैं, कुछ आगे बढ़ना है लाइफ में, फ्यूचर में आगे बढ़ना है, फैमिली के सपने, खुद के सपने पूरे कर लेना भाई, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल पर जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज मैंने कितना कमाया और आप कैसे कमा सकते हो। ज़्यादा नहीं कमाओ, थोड़ा बहुत जो भी है। देखो, मैं अगर कमा सकता हूँ तो आप भी कमा सकते हो, अगर मैं इंसान हूँ तो आप भी इंसान हो, ठीक है। जिस चीज से मैं कमा रहा हूँ वही सारी नॉलेज मैंने प्लेलिस्ट बना के दे दिया है आपको यूट्यूब पे, वाईटी पे मैंने सब कुछ प्रोवाइड किया, ठीक है। आज करीब करीब अगर आप अपना प्रॉफिट देखोगे तो $50,000, ठीक है, $50,000 का आज आपका प्रॉफिट है। और ये कैसे हुआ, मैंने $11,000 से स्टार्ट किया था, करीब करीब 10 लाख रुपए से मैंने बनाया ₹50 लाख इन मंडे, मतलब एक दिन में मैंने 11 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से $11,000 था, 10 लाख रुपए 9 लाख रुपए पकड़ लो, मल्टीप्लाई करें, कॉस्ट मल्टीप्लाई करने से, बट एक आंकड़ा बता दे रहा हूँ कि 9.5-10 लाख रुपए से मैंने बना 45-50 लाख रुपए मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाया और आप कैसे बना सकते हो, सबसे पहले आप अपना लीडर बोर्ड देख लो, एंड आज मैं हूँ लीडर बोर्ड पर, आप देख लो, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया है, और ये वीडियो आएगी एक दो दिन बाद, ठीक है। एक दो दिन बाद क्यों आएगी, इसका सिंपल सा रीजन है, पहली बात तो विड्रॉल कब तक आएगा, विड्रॉल का भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो में आपको विड्रॉल भी दिखाने वाला हूँ, $50,000 का विड्रॉल ही लगाऊंगा, जो आज का प्रॉफिट है सारा मैं विड्रॉल लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो, मैंने फर्स्ट ट्रेड कब लिया था, देखो स्टार्टिंग में मैंने सुबह उठा था, मैं आराम से फ्रेश वगैरह होके सुबह लेटा, एंड नाश्ता वगैरह करके खाना पीना खा के मैंने टोटल आज का प्रॉफिट किया था सुबह सुबह करीब $11,000 से मैंने $10,000 कमाए थे, तो टोटल अपना बैलेंस हो गया था $21,000, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एक रिस्क लिया, यहाँ पे मैं ये वीडियो प्ले कर दे रहा हूँ, आपके चार्ट पे ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करीब करीब मैंने मारा था यहाँ पे 23 ट्रेड $550 की। अब ये ट्रेड मैंने क्यों मारा था, 2 मिनट में आप देखोगे तो ऊपर से डोजी कर रहा है, मतलब डोजी कैंडल है, मतलब ऊपर से इक्वल प्रेशर बायर प्रेशर होता है, मतलब जहाँ पे अपनी डोजी बनती है वहाँ पे इक्वल प्रेशर बायर एंड इक्वल प्रेशर फेलर होता है, मतलब दोनों वही है, सेम प्रेशर है, सेम उनके पास वही पावर है। अगर आप 1 मिनट में देखोगे तो बार बार डोजी बन रहा था, ठीक है, बार बार ये चीज डोजी बन रहा था, और यहाँ पे मैंने टोटल मारा था $11,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने किया था, और टोटल अपना प्रॉफिट हुआ जो यहाँ पे हुआ है इन्वेस्टमेंट करके, मेरा लीडर बोर्ड उस टाइम पे शो कर रहा था $23,000 समथिंग करके, $11,000 मैंने मारा था, 12-13 हज़ार का पहले प्रॉफिट था शायद समथिंग, एंड टोटल मिला के प्रॉफिट हो गया $23,000 का। देखो यार, एग्जैक्ट किसी को याद नहीं रहता, ठीक है, बट मैं वीडियो प्ले करके दिखा देना, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट इसी वजह से हुआ कि आप पहले ऊपर जब कैंडल में देखोगे, जब मैं वीडियो प्ले कर रहा था वहाँ पे बाइंग जो सेलिंग है, सेलिंग का प्रेशर था, ठीक है, मार्केट का जो एक रुख चल रहा था, मार्केट रेंजिंग चल रहा था, बट वो लोअर लो बना रहा था, मतलब लो एंड लो, लो पहले ये लो बना, फिर लोअर हाई बना, फिर लोअर लो, तो मार्केट ये बना रहा था, मैं उसको देख रहा था। उसके बाद वहां पे देखा मैंने कि डोजी कैंडल बना, एक इरर दिया, अगेन मैं जब ऊपर से देख रहा हूँ ग्रेवेस्टर्न डोजी टाइप में कैंडल बनी थी, ऊपर से बहुत ज्यादा सेलिंग का प्रेशर था, और प्लस ये कैंडल बोलिंजर बैंड का जो मिडिल बैंड होता है, देखो आप तो जानते हो जब भी मैं ट्रेडिंग पर्सनली करता हूँ तो बोलिंजर बैंड में लगा के रखता हूँ, ठीक है। तो बोलिंजर बैंड का जो मिडिल बैंड होता है वो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, मैंने ये चीज़ आपको बताया है, तो उसको ये ब्रेक कर चुका था, और जैसे ही ब्रेक किया मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने यहाँ पे तगड़ा इन्वेस्टमेंट किया और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके 2-3-4 कंफर्मेशन के साथ गया। टोटल प्रॉफिट उस टाइम पे मुझे शो हो रहा था $23,000, ठीक है, लीडर बोर्ड पे $23,052, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो अपने सेकेंड ट्रेड, अपने अकाउंट में टोटल उस टाइम पे बैलेंस था 33-34 हज़ार समथिंग, 33-34 हज़ार। फिर मैंने 2-3 ट्रेड किया तो लॉस प्रॉफिट थोड़ा सा हुआ, फिर मैंने कुछ टाइम के लिए आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए रेस्ट लिया, बंद कर दिया, नाश्ता वगैरह किया। तो हमेशा लगातार ट्रेडिंग मत करो, अगर आप लगातार ट्रेडिंग करोगे तो भाई मार्केट में कोई बादशाह नहीं है,
ठीक है, समझ रहे हो ना चीज, लॉस लेके ही जाओ। ऐसा नहीं कि दिन भर अगर सेटअप पे बैठ गए तो दिन भर आपको ट्रेडिंग ही चाहिए, दिन भर आपको प्रॉफिट ही करना है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। रेस्ट करो थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए, बस रेस्ट करो, फिर थोड़ा सा और अपने अमाउंट को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, फिर जो थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर प्रॉफिट करो। अगर थोड़ा सा माइनस हो जाता है, थोड़ा सा डाउन आ जाते हो, तो कोई बात नहीं, बंद कर दो 10-20 मिनट के लिए, रेस्ट करो, माइंड फ्रेश करो, अगेन ट्रेड करो। ये नहीं कि अगर 23,000 प्रॉफिट है, 23,000 डॉलर, तो उसमें 3,000 माइनस हो गया तो मैंने मार दिया 20,000, वो भी 20,000 चला गया तो मैंने अपना कैपिटल भी मार के उड़ा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। 3,000 क्या, कोई बात नहीं, जाएंगे रेस्ट करके आएंगे, आएंगे तो 5,000 मार के कवर करके फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे 1,000 मेरा समथिंग लॉस था, 1,000-1,500 तो मैंने बंद करके मैं चला गया, तो मैं टोटल मिला के 2,200 का प्रॉफिट हो चुका था। तो मुझे वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली मार्केट का, यूरो जेपीवाई का चार्ट था, मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आप देख लेना। देखो वीडियो तो मैंने शूट करके शॉर्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी ये चीज़ डाला है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो देखो अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिली, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, इसमें क्या हुआ था, डाउन ट्रेंड था मेजर, माइनर ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड था, एंड यहाँ पे क्या हुआ कि बोलिंजर बैंड का मिडिल मिडिल जो लाइन होती है वही उसी का खेला है। बोलिंजर बैंड का मिडिल लाइन मैंने देखा, वहाँ पे मैंने 2 मिनट देखा, 2 मिनट में मुझे और कुछ कन्फर्मेशन मिल रही थी जो मैं आपके, मेरा बग से वो शॉर्ट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। 2 मिनट में मैं अगर वो चीज़ बनता है तो 1 मिनट में 100% काम करता है, ये कन्फर्मेशन मान लिया मैंने। दूसरी चीज़ की नीचे से ग्रेविस्टोन लोजी टाइप में कैंडल यहाँ पे भी बन रही थी और नीचे से बहुत ज़्यादा बाइंग का प्रेशर था, कैंडल रिजेक्शन देके ऊपर जा रही थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बायस एक्टिव थे क्योंकि मेजर ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड था, लेकिन जो माइनर ट्रेंड है वो अपवर्ड जा रहा था और ट्रेंड को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जब मैंने ट्रेड मारा था समथिंग $33,000 जब मैंने ट्रेड मारा तो मेरे अकाउंट में 3,000, मैं देख लेता हूँ कितना, मेरे अकाउंट में 3,500 समथिंग उस टाइम पे डॉलर बचे थे, ठीक, कितना, $3,500 बचे थे, मतलब टोटल मैंने $30,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने वहाँ पे कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो मेरा टोटल वहाँ तक उतना इन्वेस्टमेंट था जितना मिला जुला के, हाँ भाई 29-28 पकड़ लो। उसके बाद क्योंकि मैं इतना श्योर था इस चीज़ पे कि ये कैंडल 110% ग्रीन बनने वाली है, और आपने शॉर्ट वीडियो में भी देखा था कि कैंडल कैसे आके गिरती है PLD के कदमों में, तो भाई वो गिरना ही होता है अगर आपके पास नॉलेज होगा तो। इसीलिए कहता हूँ कि MTJ रिकवरी के चक्कर में कम पड़ो, आप पहले नॉलेज लो और सीखो आगे बढ़ने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है वो चीज़ सीखो। अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर आप जाओगे, YT चैनल पर अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है कोर्स का पूरा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये वीडियो में देखो जो मैंने ट्रेड मारा था कम से कम $43,000, मतलब 43 ट्रेड मारा था $550 का, ठीक है। तो टोटल समथिंग कितना लगा होगा, 20, और ये हो गया 20, मतलब अगर आधा करेंगे तो 20 हो जाएगा, एंड $21,000 का, सॉरी मैंने 29,000 बोल दिया, सॉरी $21,000 का वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट था। $21,000 जो मैंने वहाँ पे ट्रेड मारा तो 23,000 जो 21,000 का प्रॉफिट रिटर्न मिला होगा, मिला जुला के 17,000-18,000 मिला होगा, तो वो 23 का टोटल मिला जुला के मेरा हो गया $37,000। जो मेरा प्रॉफिट था वो मेरा हो गया $37,000, ठीक है। 23 था मिला जुला के मेरे हिसाब से 17,000 या 16-17,000 जो भी रेट ऑफ रिटर्न मुझे उस टाइम पे 85 मिल रहा था, तो जो भी होगा कैलकुलेट नहीं किया मैंने, तो वहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ मेरा $37,000, ठीक है। और ये चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो बाइंग का प्रेशर मिल रहा है ना, और यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी जो मैं आगे वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा लेटी पे, यहाँ पे फ़ोन में उतना क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये इतना समझ लो, 2 मिनट में एक बग शो शॉर्ट का कन्फर्मेशन लिया था जो मेरी न्यू स्ट्रेटजी जो मैंने खुद से बनाई है वो भी आगे आपको रिवील करूँगा, और 1 मिनट 5 मिनट 2 मिनट का जो मैं देखता हूँ 15 सेकंड को मेरा फंडा अलग होता है, वो मैं कुछ अलग ही चीज़ देखता हूँ, ठीक है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि वो मैं कैसे देखता हूँ, एंड दो कन्फर्मेशन हो गया, 1 मिनट 5 मिनट 2 15 सेकंड देख के बोलेजर बैंड का मिडिल बैंड देखा, तीसरा देखा ग्रेविस्टोन लोजी टाइप में बंद की एकदम हाई प्रेशर हाई वैल्यूम दे रहा है बायर्स का, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया पूरा, फुल श्योर होकर फुल कंपाउंडिंग कर दिया, तो $37,000 प्रॉफिट हुआ। उसके बाद $37,000 का, तो मैं रात में करीब करीब SBIP का फिर सेशन लिया, उसमें भी $3,000-4,000 का प्रॉफिट किया, तो टोटल $40,000 प्रॉफिट हो गया था। उनको भी बैक टू बैक 4 स्टेप कंपाउंडिंग शेयर शॉट प्रोवाइड किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, रात में आया तो $10,000-12,000 का प्रॉफिट किया, ठीक है। रात में अभी करीब 6 बजे 6:30 बजे मैंने वहाँ पर अपना $10,000-12,000 का प्रॉफिट किया, और टोटल प्रॉफिट मिला कि मेरा $50,000 का प्रॉफिट हुआ, करीब करीब 48,00,000 रुपये इन वन डे। तो मैंने क्या क्या मेंटेन किया, मैंने यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन किया, पेशेंस रख के ट्रेडिंग किया, और मनी मैनेजमेंट। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर हर कोई बन जाएगा,
लेकिन कैसे बनेगा, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहली चीज आपको मनी मैनेजमेंट, पेशेंस, ये सब सारी चीजें बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना गाइस, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ विड्रॉल करके। ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ले रहा हूँ, मैं साइड में लगा दूंगा। आप देखो कि आज मैं पर्सनली आज का अपना कितना विड्रॉल होता है क्वाटिक से। सबसे पहले चीज आप यहाँ पे देख लो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ विड्रॉल। एंड एक सेकेंड, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाना पड़ रहा है। अभी आप देख सकते हो $61,000 का बैलेंस है अपने लाइव अकाउंट में। ठीक है, $61,000 में 11,000 पहले का था और $50,000 का बैलेंस ही है। ठीक है, और मैं अगर आपको यहाँ पे अपना लीडर बोर्ड दिखाऊंगा, तो अगर आप यहाँ पे अपना लीडर बोर्ड देखोगे तो यहाँ पे $50,000 का बैलेंस है। बाकी जो यहाँ पे दिखता है 30 प्लस करके लगा दिया लीडर बोर्ड पे, तो जो जितना प्रॉफिट करेगा वो उसको उतना मिलेगा। जैसे मैंने प्रॉफिट किया 50,000, तो मुझे 50,000 दिखेगा, बट आगे सामने वाले को अकाउंट में, सामने वाले के अकाउंट में 30 प्लस दिखाएगा, मतलब प्लस लगा देगा 30 करके आगे, तो 30,000 आगे प्लस, उसके बाद वो दिखाएगा। तो उनका कुछ नए चेंजेस होंगे क्वाटेक्स में। तो ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलो विड्रॉल। ठीक है, एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, ट्रांजेक्शन में जाऊँगा मैं। पहले मैं आपको यहाँ पे विड्रॉल लेके दिखाने वाला हूँ। पहली चीज़ आप यहाँ पे देख लो, $61,000 का बैलेंस है अपने अकाउंट पे। ठीक है, अब देखो $61,000 का बैलेंस है और प्लस यहाँ पे एक $35,666 का मैंने विड्रॉल लिया था, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। ठीक है, 35,666 का। अभी मुझे अमाउंट कितना विड्रॉल करना है, तो अभी मैं यहाँ पे विड्रॉल करने वाला हूँ, समथिंग ज़्यादा नहीं, मैं विड्रॉल करूँगा $51,000। ठीक है, मैं यहाँ पे $51,000 विड्रॉल करूँगा। और ये है बिगेस्ट विड्रॉल, और ये पार्ट वन होने वाला है। अब आगे आपको विड्रॉल की वीडियोस मिलती रहेंगी, क्योंकि लोग बहुत बोलते हैं कि हमको जरा विड्रॉल का वीडियो दिखा दीजिए। मतलब देखो, अभी तक मैंने यहाँ पे पोस्टिंग किया है, बट लेकिन मैंने विड्रॉल का वीडियो नहीं डाला था फिर, बट आज मैं डाल दे रहा हूँ। क्योंकि देखो यार, खुद कमाता हूँ, खुद रखता हूँ, तो दूसरों को दिखाना, शो ऑफ करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा पैसा है, मेरे काम आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, $51,000 का विड्रॉल लगा, यूएसडी टेथर का मैंने सेलेक्ट कर लिया, जिससे मैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल करता हूँ, और आप भी अगर इससे चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे नेटवर्क मैंने सेलेक्ट किया है TRX। ठीक है, यहाँ पे मैं नेटवर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ TRX। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कितना डिपॉजिट किया था, लगभग समथिंग $19,500 मैंने डिपॉजिट किया था। फिर मैंने $35,666 निकाला, मतलब मैंने वो अपना कैपिटल भी निकाल दिया, प्लस $15,000 प्रॉफिट भी निकाल लिया, और प्लस $51,000 अब मैं निकाल रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको कन्फर्म करूँगा तो ये मुझे टू स्टेप वेरिफिकेशन का मुझे OTP देगा। ठीक है, तो मैं OTP तुरंत एक सेकेंड ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी OTP ले जाऊंगा एंड कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मेरा विड्रॉल यहाँ से लग गया। ठीक है, अभी एक सेकेंड, अभी अपने आप को लोड ले लेगा। मैंने यहाँ पे कन्फर्म कर दिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग बन रही है, आप लोग देख लो कि मैं कैसे इतना बड़ा बड़ा विड्रॉल ले रहा हूँ, आप कैसे ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, अभी 61,000 आपको अपने अकाउंट में दिख रहे होंगे ना, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से इसको रिफ्रेश कर दिया, अभी ये हट जाएगा और $51,000 का अपना विड्रॉल लग जाएगा, और अपने अकाउंट में फिर बचेंगे $10,000। और जब वो $10,000 जो बचेगा, उससे मैं फिर अकाउंट को अपने ग्रो करूंगा, फिर थोड़ा बहुत पैसे निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं पूरा विड्रॉल कर दूंगा, तो फिर ट्रेडिंग करने के लिए भी तो चाहिए, दोबारा डिपॉजिट करने की क्या जरूरत है। तो अब इसी $10,000 से फिर आगे अपना बनाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा कि भाई अगेन मैं कितना विड्रॉल ले रहा हूँ, आप कैसे ले सकते हो। देखो, मैं अगर विड्रॉल ले रहा हूँ तो आप भी ले सकते हो भाई। वैसे अगर कमाना है ना, तो मेहनत करो, जाओ पहले पोस्ट पे, जो सारी रियल चीज़ है, जो नॉलेज है, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, वो सारी चीज़ें आप देखो एंड थोड़ा सा उस पर वर्क करो। जब तक आप वर्क नहीं करोगे, तब तक आपको कुछ आएगा नहीं है। ठीक है, मैंने हर एक कोर्स बेसिक एडवांस एक्सपर्ट लेवल तक आपको प्रोवाइड कर दिया है। और ये जो मैंने यहाँ पे विड्रॉल लगाया है अभी तक, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 40-72, मतलब लास्ट में 73 इसका ये है जो ट्रांजेक्शन आईडी होती है, प्लस $51,000 का विड्रॉल मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे विड्रॉल के लिए मुझे दे दिया जो है 24 आवर्स के अंदर, 48 आवर के अंदर विड्रॉल आ जाएगा। अब जैसे ही मुझे विड्रॉल रिसीव होगा, मैं उसका भी आपको इसी में वीडियो लगा के जोड़ के दिखा दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी करते हैं थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट, क्योंकि अभी विड्रॉल आने वाला है, 24 घंटे के बाद आएगा। तो जब विड्रॉल आएगा, तो उसका भी प्रूफ मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के इसी में चिपका के दिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको आगे बढ़ना है,
तो भाई आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सोचो अगर देखो यार इंसान क्या करता है, इंसान पैसे कैसे कमाता है। अगर आप बचपन में अगर माँ बाप ने आपको पैदा किया है और अगर आप धीरे धीरे बड़े हुए हो पढ़ लिख के, इंसान पढ़ता क्यों है? दुनियादारी की नॉलेज होने के लिए। फिर वो जिंदगी अपनी कैसे जी सकता है इंसान, अपनी जिंदगी कैसे जिए इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज, मतलब पढ़ाई लिखाई इंसान करता है। अपनी जिंदगी को स्टेबल कैसे बनाए, किसी से कैसे बात करना है, क्या कैसे करना है, हर एक चीज़, मतलब दुनियादारी की भी नॉलेज होनी चाहिए। और इंसान एक्चुअल में पढ़ता किस लिए है? वो पढ़ता है अनुभव, अनुभव के लिए। मतलब अनुभव तो अपनी जगह हो गया, मैंने वो चीज़ बता दिया। इंसान पढ़ता है पैसे कमाने के लिए। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपको काम करने की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई इंसान जाके 12 घंटा कंपनी में काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? पैसे कमाने के लिए ना। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका एक सपना है कि मैं पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, पढ़ाऊंगा तो कुछ भी सिविल लाइन में, कुछ भी आपका जो मन करे, आपका ये जॉब करना है, आपको जॉब करना है, ये बनूंगा, वो बनूंगा। तो इंसान इसीलिए पढ़ता है बचपन से, 18 साल यहाँ पे कॉलेज में, फिर उसके बाद 10 साल 5 साल तैयारी, नौकरी लगी या ना लगी कुछ पता नहीं। तो जब आप अपना 18 से 20 साल 20 से 25 साल टाइम वेस्ट करते रहो पढ़ने में और कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो 3-4 साल की चीज़ें हैं, तो इस पर मेहनत कर दो। अगर करना है तो 25 साल 20 साल वहाँ पे आप दे सकते हो पढ़ाई के लिए, चलो बन गए तो अच्छी बात है। अगर मेहनत करने के बाद भी अगर आप नहीं चीज़ों को नहीं कैप्चर कर पा रहे हो, नहीं कुछ बन पा रहे हो, तो अगर यहाँ पे अगर 3-4 साल देने के बाद अंधाधुन पैसा है, अंधाधुन आप कमा सकते हो, तो 4-5 साल अच्छे से दे दो। 4-5 साल तो दे ही सकते हो ना। और अगर अच्छे से दे दोगे, देखो ऐसा नहीं है कोई एक ट्रेडिंग अगर कोई बंदा सीख रहा है तो 4-5 साल में सीखेगा, भाई उसकी कैपेसिटी पे है वो कितना कैप्चर कर रहा है, कितनी चीज़ें कितना एब्जॉर्व करके कितना अनुभव कर रहा है, ठीक है। अगर आपको भी सीखना है अच्छे से तो देखो, अगर सीखना है तभी सीखना, नहीं तो मत सीखना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर टाइम वेस्ट करने आओगे भाई ना तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना। इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, तो जाओ कहीं और पैसे वैसे कमाओ, और अगर सीखना है तो मन से लग जाओ और सीखो अच्छे से और आगे बढ़ो, ठीक है। फैमिली के सपने पूरे करो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें ही सपने पूरे करने, कोई और नहीं आएगा। और खुद हो तो खुद के सपने भी पूरे करने हैं तुम्हें ही, जैसे मैं हूँ तो मैं अपना ही करूँगा, आपका नहीं करने आऊँ। बस हाँ, आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, भाई मैं ये चीज़ करके आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। एक टीचर होने के नाते, जो भी आप समझ लो, भाई होने के नाते मैं आपको गाइड कर दूंगा कि भाई आप भी ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो जाओ एंड वीडियो देखो एंड प्यार देखो, लाइक करना, कमेंट करना और अपने यार दोस्तों में फैला दो। अगर आपको भी, अगर आप खुद से भी प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, अगर मेरे जरिए आपको प्रॉफिट करना है, डेली मेरे थ्रू 2000-3000 लोग मुझसे मेरे जरिए कमाते हैं, आप भी आके टेलीग्राम चैनल पर कमा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट टेलीग्राम चैनल पर, मिलते हैं बाद में, राधे राधे।